गुड मॉर्निंग एवरी वन, यू ऑलरेडी स्टार्टेड आर चैप्टर दैट इज बीक्स एंड क्लोज। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, जो बर्ड्स हैं उनकी बीक्स एंड क्लोज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चीजल शैप्ड बीक। इससे पहले अपन बीक्स के कुछ टाइप्स पढ़ चुके हैं, लाइक क्रेकर बीक्स अपन पढ़ चुके हैं, ओके, और उसके अपन एग्जाम्पल्स भी देखेंगे देखे थे। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, बीक्स के टाइप्स, सबसे पहले अपन बीक्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो अपन क्रैकर्स बीक्स के बारे में बात कर चुके हैं, स्पीयर शेप्ड बीक्स के बारे में बात कर चुके हैं, स्टर्नर बीक्स के बारे में अपन बात कर चुके हैं और उनके एग्जांपल्स भी अपन देख चुके हैं। ओके, नाउ सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चीजल शेप्ड बीक। ओके, आज अपन बात करेंगे कि जो चीजल शेप्ड बीक है उनके बारे में। ओके, ए वुड पिकर, आपने भी देखा होगा कि जो वुड पिकर हैज ए लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। ठीक है, इनकी बीक कैसी होती है, लॉन्ग होती है एंड स्लेंडर बीक होती है, टैपरिंग एट द टिप विच हेल्प इट टू टैप द बार्क्स ऑफ ट्री। ठीक है, इनकी जो बीक है वो कैसी होती है, चीजल शेप्ड बीक होती है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, और ये क्या करते हैं, जो वुड पिकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ट्रीज होती है उनकी बाग को ये उनकी बाग को ये काटते हैं और उसमें क्या बनाते हैं, उसमें से इंसेक्ट निकालते हैं एंड पुल आउट इंसेक्ट। ठीक है, ये उसमें छेद कर सकते हैं और उसमें से मतलब उसको तोड़ सकते हैं, जो बाग होती है ना अपने प्लांट की उसको ये तोड़ सकते हैं और उसमें से इंसेक्ट निकालते हैं। अंडरस्टैंड, नाउ नेक्स्ट हुक शेप्ड बीक्स। ओके, एज यू कैन सी हियर, इसमें अगर आप देख रहे हो तो इनकी जो बीक है वो कैसे है, इस टाइप से हुक बनी हुई है इसमें। ठीक है, इन दिस वन ऑल्सो इसमें क्या बना हुआ है, हुक्स बनी हुई है, ईगल्स बीक एंड वल्चर बीक। बर्ड्स लाइक हॉक, ईगल्स, ऑल्स एंड वल्चर हैव स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल्स है इस टाइप के, अपने ये जो बर्ड्स होते हैं लाइक हॉक हो गया, ईगल हो गया, ऑल्स हो गया एंड वल्चर। ठीक है, तो इनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और इसमें इस हुक टाइप की जो बीक होती है वो इनमें होती है। ओके, वल्चर हैव स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एंड शार्प हुक्ड बीक। इनकी बीक कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होती है, हुक्ड बीक होती है, विच हेल्प देम टू टियर द फ्लैश इन टू स्मॉल पीसेज। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो फ्लैश है उसको स्मॉल पीसेज में ये टियर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, नाउ नेक्स्ट ट्वीजर शार्प्ड बीक। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्वीजर शार्प्ड बीक, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स लाइक वार्बलर्स। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट, ऐसे बर्ड्स जो क्या कर सकते हैं, जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, तो इस टाइप के जो बर्ड्स होते हैं लाइक कौन कौन सा हो गया, वार्बलर्स एंड हुपर्स, हुपाइज हैव लॉन्ग एंड थिन बीक दैट हेल्प देम टू पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड। ठीक है, और ये जो बर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ग्राउंड से अपनी इस बीक से क्या करते हैं, इंसेक्ट को ढूंढकर ये बाहर निकाल देते हैं। एज यू कैन सी हियर, वार्बलर्स बीक एंड हुपर्स बीक। ठीक है, इनकी आप बीक्स को देख के आप पहचान सकते हो कि ये क्या करते हैं, जो अपनी मतलब इनसे क्या करते हैं, ये मतलब जो अपना ग्राउंड है उसमें से इंसेक्ट को निकालते हैं। अंडरस्टैंड, नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ बीक इज स्ट्रॉ शेप्ड बीक। एज यू कैन सी हियर, दिस इज स्ट्रॉ शेप्ड बीक। ओके, स्ट्रॉ शेप्ड बीक, हमिंग बर्ड, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ये क्या है, हमिंग बर्ड है। ओके, और इसकी जो पिक्चर है वो जो बीक है वो कैसी है, स्ट्रॉ शेप। ठीक है, ये कैसी शेप है, स्ट्रॉ शेप। बर्ड है लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स। ठीक है, जो हमिंग बर्ड है उसकी बीक कैसी होती है, लॉन्ग होती है। ओके, एंड स्लेंडर बीक होती है। दे वर्क्स एज स्ट्रो। ठीक है, और ये कैसे वर्क करती है, जैसे स्ट्रो वर्क करता है वैसे ही इनकी बीक वो वर्क करती है, टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लोवर। ठीक है, और ये हमिंग बर्ड है वो क्या करती है, जो भी अपने फ्लोवर्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लोवर्स होते हैं उनसे क्या करती है, ये नेक्टर है वो शक करती है। ठीक है, क्या करती है, नेक्टर शक करती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी लिए इनकी जो बीक है आप देख सकते हो कि ये कैसी बीक है,
बहुत ज्यादा थिन है. ओके नाउ स्विस आर्मी नाइफ बिग, एज यू कैन सी हियर लाइक क्रो बिग. ठीक है, क्रो बिग्स आपने भी देखी होगी. तो ये जो बीक है ये क्या करती है, मतलब इसकी ये जो बीक होती है ये मल्टीपर्पज होती है, इससे बहुत सारे वर्क ये कर सकते हैं. ओके एज यू कैन सी हियर शेप ऑफ दिस बीक, इसकी जो शेप है इस बीक की वो कैसी होती है, स्विस आर्मी. ठीक है, कैसी बीक होती है इसकी, स्विस आर्मी नाइफ बीक. ओके क्रो हैज दिस काइंड ऑफ बीक, इस टाइप की बीक किसमें होती है, क्रो में. इट इज मल्टीपर्पज, ठीक है, और इसे बहुत सारे वर्क कर सकता है, मल्टीपर्पज होती है. बीक यूज टू ईट फ्रूट्स, ठीक है, और ये बीक क्या करती है, इसको हेल्प करती है किसमें, फ्रूट्स को ईट करने में. ओके और ये क्या करती है, जो शीट्स होते हैं उनको ईट करती है, जो शीट्स होते हैं उनको ईट करने में हेल्प करती है, इंसेक्ट को कंज्यूम करने में हेल्प करती है, फिश, फिश को भी तो ये खाता है ना, तो फिश को कंज्यूम करने में हेल्प करती है, एंड फूड आइटम्स. और इसके अलावा अपने को पता है कि जो क्रो है वो क्या होता है कि ये एनिमल्स को भी ईट करता है, इंसेक्ट्स को भी ईट करता है, और ये अदर फूड आइटम्स हैं उनको भी ईट करता है. इट मीन्स ये कैसा एनिमल है, ये ओमनीवोरस है, इट मीन्स ये कार्निवोर भी है और ये हर्बीवोर भी है. ओके इट मीन्स ये प्लांट्स को भी कंज्यूम कर सकता है और ये क्या करता है, इन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल को भी क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है. इट मीन्स ये कैसा एनिमल है, ओमनीवोरस. ओके नाउ एज यू कैन सी हियर राइनोसीरस, दिस इज द राइनोसीरस हॉर्नबिल हैज वेरी इंप्रेसिव बीक. ठीक है, इसकी जो बीक होती है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती है, इट इज लाइक ए राइनो हॉर्न. ठीक है, और इसकी बीक कैसी होती है, राइनो हॉर्न, एज यू कैन सी हियर. ओके नाउ इनफ फॉर टूडे, नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.